यू नो मुंबई सपनों का शहर है जी। तो आपके लिए मुंबई का का सपनों शहर है आपकी क्या कहानी मुंबई की आई एम फ्रॉम मुंबई मैं मुंबई से ही पला बड़ा पर और बचपन में मैंने एक फिल्म की थी माई द वर्ल्ड ऑफ एक्टिंग पहला दिन आई एंटर्ड महबूब स्टूडियो और सेट पे जाके देखा तो यार मैं आई लाइक like कि मुझे ये ही करना है मुझे और कुछ नहीं करना शरद सर आपके लिए मैं तो मुंबई आके मैंने एक्टर बनने का सपना देखा मैंने पहले तो में देखा नहीं था बट फिर मैंने सपना बड़ा ही देखा सपना छोटे नहीं हूँ तो कहावत है मनसूबों में कंगाली कैसी अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो बड़ा ही सोचिए तो फिर एक हद तक तो पहुंच ही जाएंगे आप बट जैसे ट्रेलर में भी एक एक लाइन डायलॉग आता है कि अरब पति वाला तो आपने कभी किसी को देखा है ऐसे रातों रात अरब पति बनते हुए जो बिटकॉइन में गए थे उस टाइम शायद होंगे बाकी तो देखो इट टेक्स टाइम कोई भी सक्सेस पाने के लिए ना दो चीजें जरूरी हैं एक हार्डवर्क और एक लक कुछ लोग एस्टिमेट लकी होते हैं जो शायद रातों रात बन जाते होंगे बट नाइनटी केसेस में वो हार्ड वर्क वो परसिस्टेंस वो uh, एक uh, जज्बा वो बहुत ज़रूरी होता है और आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द पीपल वो आर सक्सेसफुल नाउ वो बोलते रैक्स रैक्सो रेच की कहानी जो yeah. है वो एक एक जर्नी होती है और वो उसमें ना शुरुआत ना अंत जब तो आपने इनिशेट किया है वो और जो आपने टारगेट अचीव किया है वो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मजेदार होता है वो सफ़र जो हमने तय किया है उसके बीच में सो दैट सफ़र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जहाँ खुशियाँ भी होती हैं और सफरिंग भी होती है उस yeah. सफर में तो मेरे लिए वो सफ़र बहुत महत्वपूर्ण है जहाँ आप उस जर्नी को इन्जॉय करते हैं अप्स एंड डाउन देखते हैं और ग्रो करते हैं लाइफ में इट्स जस्ट नॉट अबाउट मनी और फेम और समथिंग इट्स अबाउट एज ए ह्यूमन एज ए आप एज ए इंसान कितना ग्रो कर रहे हैं कितना सीख रहे हैं लाइफ में वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो मुझे उसमें बड़ा मजा आया और आपकी वो जर्नी चालू रहेगी आई एम वेरी श्योर फिंगर्स क्रॉस्ड मैं तो, <laughs> तो सीखना ही चाहता हूँ लाइफ में हमेशा मुझे सीखना और सिखाना वो जिंदगी का एक आ, मेरा एम है कि मैं सीखता रहूं और लोगों को सिखाते चलूं जो मैंने सीखा है आ, तो आई थिंक अगर उनको सिखाऊंगा तो शायद मेरी मेरी भी ग्रोथ ज्यादा होगी जैसे आपने कहा कि नो कहानी है एम्बिशन की होप की तो आपके लिए इन योर रियल लाइफ इतने सालों से होप का क्या पार्ट रहा है यू you नो know, जब कोई चैलेंजिंग टाइम था <coughs> लाइफ में होप तो सबसे आई थिंक द द इज इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन योर लाइफ उम्मीद है तभी आप उसे पूरी कर पाएंगे उम्मीद ही नहीं रहेगी तो फिर क्या किसके लिए मेहनत कर रहे हैं आप सो द होप इज यू नो होप एंबिशन यू नो योर टारगेट्स योर पॉजिटिव अप्रोच दीज आर ऑल द एलिमेंट्स व्हिच आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ अगर वो नहीं होगा तो आप शायद सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे वो उम्मीद एक ऐसी चीज है ना जो खुद से होनी चाहिए hmm. ना कि किसी और से पहली बात तो हमारे इंसानों में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम दूसरों से उम्मीद बहुत ज़्यादा करते हैं मैं हमेशा इस चीज़ का फेवर करता हूँ कि खुद से उम्मीद करिए दूसरों से मत करिए बिकॉज उससे आपको निराशा ही मिलने वाली है लाइफ में किसी क्योंकि आपका सोचने का तरीका वैसा है कि आप वही उम्मीद लगाएंगे लोगों से जो शायद वो पूरी ना कर पाए चाहते या ना चाहते हुए फिर आप दूसरों को ब्लेम करते हैं इससे उम्मीद खुद से कीजिए और उस उम्मीद को पूरा करने की जीतोड़ कोशिश कीजिए तो शायद आप कामयाब हो जाएंगे और अगर नहीं भी हुए तो डिसअपॉइंटेड खुद से होंगे दूसरों से नहीं होंगे आपके पास ब्लेम देने वाला कोई नहीं होगा तो आपने इन डीप और इंटेंस बात कही है यू नो you know? आप पहले से ही वैसे हो कि कुछ बाद में चेंजेस आए एज अ पर्सन नहीं वही <laughs> बोलता हूँ ना कि आप देखिए मैंने कहा पहले कि मेरे मैं मुझे सीखता रहता हूँ लाइफ से तो कहीं ना कहीं मैंने भी किसी और से उम्मीद लगाई होगी जो शायद पूरी नहीं होगी अगर उस अगर वही गलती आप दोबारा तबारा करेंगे तो फिर आप बेवकूफ़ हैं तो शायद मैं अपनी गलती से सीखा और उससे बेटर है कि आप दूसरों की गलती से सीखें ताकि आपको खड्डे में गिरना ही ना पड़े हम लोग दोष देने में बड़ा एक्सपर्ट होते हैं एज ह्यूमन इसकी वजह से हो गया ये तो वैसा हो गया यार मेरे तो साथ हो क्यों हुआ वैसे मेरे साथ ही क्यों हो गया। आप एनालाइज नहीं करना चाहते कभी क्यों हुआ आपके साथ शायद आप में ही कोई कमी हो और उसको कमी है तो उसको सुधारने की कोशिश करें मैं हमेशा ये बोलता हूँ लाइफ में क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब मैंने देखे हैं कि बहुत उनको वैलिडेशन चाहिए होता है दूसरों से क्यों चाहिए होता है यार तो मतलब मैं अगर कुछ करता हूँ मुझे अगर खुशी मिल रही है तो वो सेल्फ रेडिएशन है ऑलरेडी अब वो दूसरों की नज़र में कैसा है मुझे उससे क्या करना है और मैं मैंने अच्छा काम किया मेरी नीयत अच्छी है और मैं पॉजिटिव हूँ उस चीज़ को लेके और आप जो भी काम करें वो आप एनालाइज करके जाए अब ये नहीं बोलता कि चोरी करें तो मेरी नज़र में सही है तो मैं सही हो गया बट आई एक सोशली एनालाइज़ करते हैं आप चीज़ों को कि, कि ये चीज़ सही है या इसको अचीव करने का तरीका सही है फिर उस पर वर्क करें आप और

तो अकेले होते हैं तो बहुत कर लेते हैं बेटे <laughs> मन से होगी बट <laughs> हाँ करेक्ट yeah. so आपको ट्रैवलिंग मन के लिए ब्रेकफास्ट बनाना पड़ेगा ना आपका <laughs> yes. शरद सर के दिल के आप कुछ आपको कुछ बोलना बोल सकते हो बोल सकते हो सुन रहे हैं तो बिल्कुल मुझे ट्रैवल पसंद ही नहीं है वैसे भी नहीं पसंद है मुझे अकेले ये मैं बड़े उससे ऑनेस्टली बोलता हूँ मुझे एक कंफर्ट जोन में ऐसा चिल जोन हो अच्छा लगता है छुट्टियाँ छुट्टी होनी चाहिए यार मतलब मेरा ये मानना है हाँ। और बिकॉज मैं मेरी इससे थोड़ा सा अलग हूँ मैं क्योंकि मैं वर्क वाले का आदमी हूँ मैं चौबीस घंटा काम का सोचता रहता हूँ मैं उस पर कुछ ना कुछ काम या तो शूट कर रहा हूँ या कुछ पढ़ रहा हूँ या कुछ सुन रहा हूँ या कुछ आइडिएशन कर रहा हूँ तो मेरा दिमाग नॉन स्टॉप काम के लिए काम करता रहता है तो जब मुझे ब्रेक मिलता है तो आई वॉन्ट एवरी चिल जोन फिर मुझे पहाड़ पर नहीं चढ़ना है फिर मुझे

मैं बैठ के मतलब टीवी पे मैच देखता रहूँ बैठ के दिन भर और लेटा रहूँ पढ़ा रहा रहूँ सोना मेरी हॉबी है बीच तक तो आप जाते हो ना नाक तक मजबूरी में जाता वो भी पसंद नहीं है मतलब हाँ सब चिल करके बैठ सकता हूँ बट आ, या दूसरी चीज़ें मुझे शौक है जो खेलने का अगर आप मुझे दिन भर क्रिकेट खिलाएं या कोई भी स्पोर्ट खिलाएं कोई भी मतलब आप तो मैं खेल सकता हूँ दिन भर वो मुझे उसमें बिल्कुल बोरियत नहीं होती पार्टी करना मुझे बहुत पसंद है मैं अपने ग्रुप का ऑफिशियल डीजे हूँ कौन सा, कौन सा कौन सा प्रॉपर हिंदी प्लेलेश मराठी सॉन्ग्स प्लेलिस्ट हिं, हिंदी जितना इंग्लिश हिंदी जो बजवा लो मतलब मैं माहौल बना देता हूँ कौन के? से अभी फेवरेट गाना कौन से करें अरे बहुत सारा आप, आपको किस जोन में सुनना है बताओ आ, थोड़ा इमोशनल थोड़ा फील गुड फील मुझे बने बना रहा हो इमोशनल कौन सा होता है यार ये तुम फील गुड मैं पार्टी बनाता हूँ यार मैं रोमांस फील गुड तो मला चातेवडा बेशरम वैसा फीलिंग में आता है तुलना चाह रहे हो आप तोルダー हो यार सर को पार्टी करनी है पार्टी करते तोルダー आ जाते हो नहीं बट

यार दे पहली बात तो हिंदुस्तान में ना स्पोर्ट्स जो बहुत कम बनते हैं हमको दिखते क्यों है क्योंकि जितने बने वो हिट हुए हैं सारे चाहे वो लगान हो चाहे वो चक दे हो 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 चाहे चाहे वो जो, जैसी कुश्ती पर फिल्म सुल्तान बनी हो, वो फिल्में हिट हुई हैं इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत सारे दिखे बट है नहीं एक्चुअली फिल्में हम साल की पांच सौ फिल्में बनाते हैं इंडस्ट्री वाइज और स्पोर्ट्स की फिल्में बहुत कम होती है नहीं है स्पोर्ट्स बेस्ड फिल्में बनती ही नहीं है जो बनी वो हिट होती हैं तो खुशी तब कि एक चलो एक स्पोर्ट्स बेस्ड शो बन रहा है फिर इसमें जो मेरा कैरेक्टर है वो, वो क्लीसी नहीं है यार hmm. वो है उसका एक अलग एटीट्यूड है उसमें अलग ही। सेम वेज अगर हम बात करें कि अमीर लड़का गरीब तो एक अमीर लड़का समझिए क्लीसे टाइप बन जाता है वो बैड बॉय टाइप बनता hmm. है बिल्कुल बैड बॉय नहीं है शो में यार मुझे शो देखते हैं जहाँ एक राइसोचे होता है कि उसके लाइफ में जो आएगा वो बुरा होगा फिर एक ऐसा होगा आदमी सपोर्ट का फिर उसका फायदा उठा कुछ भी क्लीसे नहीं शो पता चलेगा। क्योंकि आपका वो जो है वेरी नॉर्मल रियल स्टोरी सब किरदार बहुत रियल हैं वो बात भी रियली करेंगे कोई डायलॉग बाजी नहीं है शो के अंदर किसी की भी तो वहाँ स्टेटमेंट्स हैं बट डायलॉग्स नहीं मतलब जानवे ज्ञान नहीं है ज्ञान मैन पेनिंग की हाँ। जरूरत नहीं होती बट नॉर्मल सी बातें करते हैं बड़े वो लोग ऐसे चिल आउट बात करते हैं लाइफ में सब और एक एक कैरेक्टर आप न्यूनस देखोगे ना आपको बहुत रियल लगेगा कि यार ये तो ऐसा है यार ये तो ऐसी ही बात करता है अरे तो बड़ोसा लगता है तो एक तो कैरेक्टर्स बहुत अच्छे लिखे हैं मैंने और राइटिंग बहुत अच्छी है और प्लस सुजय के जिस जो नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर है शाड़ा के लिए उसने डायरेक्ट किया है विजय मिश्रा है बहुत से बढ़िया डी ओ है तो ऐसे टीम बहुत अच्छी है वो एंड देखो बेस्ट पार्ट क्या होता है ना वैन यू स्टे टुगेदर एंड शूट तो एक एक वो है ना एक हार्मनी बन जाती है उस पर्टिकुलर उस सेट के ऊपर तो जब आप एक गोल्फ कोर्स पर शूट कर रहे हैं वहीं आपका स्टे भी है

तो वो सिर्फ मुझसे बोलती थी आके शरद प्लीज मेरे पास में आके कान में कुछ चार लाइन कुछ भी बोल दे चार दे दे मुझे सो ना मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा तो मैं कई बार उसकी रिक्वेस्ट पूरी करता था, था जाके। बहुत खराब दिख रही है तू तो। तो भी उसका कितनी अच्छी आवाज है कितना अच्छा लगा सो ऐसी भी, ऐसी भी चीजें हुई है लाइफ में बाकी तो बाकी रिक्वेस्ट तो ये सर की एक बार हैप्पी बर्थडे बोल दो सर दो तो, कौन है भाई तू आपको भी आते होंगे तूम्स करोड़ों में आते हैं वो तो बट यार खुद की आवाज है ना बताओ ऑनेस्टली खुद की आवाज खुद को समझ में नहीं आती है मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ ये चीज़ को ठीक है आप कभी खुद को आईने में देखोगे आप कभी खुद को सुंदर नहीं फील करोगे आपको कुछ ना कुछ कमियाँ दिखती रहती हैं अपने अंदर हमेशा सेम आवाज का है मुझे अपनी आवाज़ समझ में नहीं आती है अभी मैं एक में था और वहां एक बहुत बढ़िया वॉइस एक्टर आए थे मैं यार यार कैसा है है तू ऐसा पूछा मैंने क्या आई एक्चुअली तो तो <laughs> तो खुद की आवाज के प्यार में मत पड़ो तो बेटर थैंक यू सो हाँ। मच जाने से पहले एक मैसेज जो लोग आपका शो देखने वाले देखे रहे अर्जन सिंह ओजला और हमारा शो स्लम गोल्फ वो आ चुका है आप देख सकते हैं अमेजन मिनी टीवी पे जो कि आपके अमेजोन शॉपिंग ऐप पे बिल्कुल फ्री है बहुत ही सिंपल शो है एक एस्पिरेशनल कहानी है आपको बहुत कुछ सिखाएगी मज़े भी हैं शो के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है बहुत अच्छी टीम है मयूर मोरे हैं मैं हूँ अर्जन है और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन कलाकार हैं शो के अंदर आपको बहुत मज़ा आएगा देखने में और अगर आप स्पोर्ट्स ड्रामा के फैन है तो जरूर देखिएगा और अगर आप लाइफ में कुछ सीखना चाहते हैं तो तो जरूर देखिएगा गोल्फ परफेक्ट थैंक यू सो मच